भरतपुर जिले के कामा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी चाहिदा खान की भारी भरकम वोटों से जीत होने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में किसी भी प्रकार का पद नहीं मिला, जिसके चलते विधानसभा के लोगों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश दूसरे दिन भी दिखाई दिया। चाहिदा समर्थकों और मेव समुदाय के लोगों ने दूसरे दिन सहसन लाडला का मार्ग पर जाम लगा दिया और टायर जलाकर अपना रोष प्रदर्शित किया। आक्रोश में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मेव समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेव समुदाय के लोगों का कहना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में एकमात्र मुस्लिम महिला ने भारी भरकम मतों से जीत दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेव समुदाय के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके लिए गहलोत सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में अंजाम भुगतना होगा। अगर सरकार के द्वारा आगामी मंत्रिमंडल के विस्तार में जाहिदा खान के नाम पर मोहर नहीं लगी तो हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ होकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। अगर मेव समुदाय इतिहास बनाना जानता है तो इतिहास बदलना भी जानता है। जाहिदा खान को आगामी मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह नहीं मिली तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। कामा की मेव कौम के साथ जो है धोखा किया कांग्रेस ने, जाहिदा खान हमने 40,000 वोटों से जिता कर भेजी और जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, इसका खामियाजा राजस्थान सरकार को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो हम रोडों को जाम करेंगे और बड़ी बड़ी घटनाएं करेंगे। या तो सरकार मंत्रिमंडल में जाहिदा को शामिल करे, नहीं तो लोकसभा में खुलकर जो है विरोध होगा और एक भी वोट जो हरियाणा अलवर भरतपुर जितने भी मेव समाज मेवात है, एक भी वोट कांग्रेस को नहीं करेगा। ये खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा, यही हमारी मांग है। अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो बहुत बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में आ सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में जाहिदा को शामिल किया जाए, अन्यथा बड़ा नुकसान होगा।